से ही मुझे बुरा लगता था कि मुझे इनका रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, तो अभी मैंने लिख लेता हूँ और आपका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। आप इस कमेंट में लिख देना ताकि आपके सारे कमेंट में प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज मैं जो हमारे भाई बहन हमें कमेंट करते हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं दे पाता, आज मैं उनका रिप्लाई दूंगा। और कई बार होता है कि कुछ कहते हैं कि आप हमारा रिप्लाई नहीं देते। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना, हम कल को आपका क्वेश्चन जरूर बताएंगे जो आपने पूछा होगा। आइए, पहला क्वेश्चन है, रीटा परालपति ने लिखा है, भाई आप सॉन्ग क्यों बनाते हैं? उन्होंने लिखा है, भाई आप सॉन्ग क्यों बनाते हैं? जी, ये हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, जिसमें हमारी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, इसमें हमारे परमेश्वर की महिमा होती है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। तो ये सॉन्ग हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। नेक्स्ट कौन है, प्रिंस मायूरा, उन्होंने लिखा है, भाई साहब आप कितनी बार एक ही गाना गाते हो, चेंज कर लिया कीजिए कभी। उन्होंने लिखा है कि मैं हर बात पे शुक्र करूं कितनी बार, एक्चुअली जब हमें कोई मिलने आता है ना, जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भाई उस चीज की बात कर रहे हैं जो मैंने हर बात पे शुक्र करूं अभी कुछ ही दिनों में गाया। अभी जब हमारे से कोई नई बार हमारी मीटिंग होती, जब कोई मिलने के लिए आता है, तो उनको यही गीत सुनना पसंद है, तो मेरे को गाना पड़ता है, मैं क्या करूं, आई एम रियली वेरी सॉरी। जब उनकी वो बोलते ये हैं कि आप हर बात पे शुक्र गीत गाओ, तो मेरे को गाना पड़ता है भाई, तो इसी वजह से मैं गाता हूँ। तो आई एम रियली वेरी सॉरी अगर किसी बात का आपको बुरा लगा हो। और दूसरा क्वेश्चन है गौरव बांसल जी का, वो लिख रहे हैं, ओ माई जीजस ब्लेस एंड हेवनली टेस्ट ऑफ वॉइस, थैंक यू जीजस आपके लव के लिए, ब्लेस ब्लेसिंग टू विल्सन ब्रदर एंड टीम, थैंक यू सो मच ब्रदर गौरव भांसल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और तीसरा क्वेश्चन है राम वलेशा, सिस्टर है, मेरे को लगता है शायद सिस्टर है वो, उन्होंने लिखा है, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, खुदा ने आपको बहुत प्यारी आवाज से नवाजा है, बस इतनी गुजारिश है आप, सिंपल सिटी इज ब्यूटीफुल, आप जब भी सॉन्ग की कोरियोग्राफी करो, मेक इट सिंपल एंड एज मच आर पॉसिबल, कीप यू सेल्फ वी सिंपल, बिकॉज मनुष्य की सुंदरता उसके सादगी में रहने अब्बा पिता के मन को भाती है। आई एम सॉरी ब्रदर जी, अगर आपको अच्छा ना लगे तो इग्नोर दिस। उन्होंने लिखा है कि आप जब भी वीडियो बनाएं तो सिंपली बनाएं, तो मतलब सुंदरता एक क्या कहते हैं, सादगी में रहना। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनका कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल वीडियो सिंपल बनाएं, यानी कि कोई इफेक्ट, कोई जैसे फेस को ज्यादा गोरा कर देना, तो ये सब वीडियो वाले कर देते हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो वैसे तो बिल्कुल ही सिंपल होती है वीडियो, ऐसे कुछ भी मैंने फेस पे अप्लाई ज्यादा नहीं किया होता, जस्ट मॉइस्चराइजिंग और क्या कह देते हैं, ये सब यूज किया होता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं किया होता, तो एडिटिंग में ऐसा हो जाता है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। तो जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चन, और थैंक यू सो मच, और मैंने कोई इग्नोर नहीं किया, मुझे अच्छा लगा जो कि आपने मेरे को बताया। हालेलुया। तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं,
अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस कमेंट में लिख देना, और मैं आपके भी जो आपने कमेंट किया होगा उसका मैं जवाब दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और मैंने इन सब चीजों से जो भी है आपको क्वेश्चन दिए हैं, और मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा कि मैंने, मेरे को कई बार बुरा लगता था कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे रहा, तो सडनली मुझे बुरा लगता था कि मुझे इनका रिप्लाई देना चाहिए लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। तो अभी मैंने लिख लेता हूँ और आपका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। आप इस कमेंट में लिख देना ताकि आपके सारे कमेंट मैं आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सबको जय मसीह की।